हमारे गुरु हैं, जो हमारे भगवान हैं, जिनको भी आप मानते हो, क्या पता वो हमारे साथ चल रहे हो, वो किस रूप में चल रहे हो वो किसी को पता नहीं। हो सकता वो किसी अपने बाबा जी जैसे बुलाएं, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है, मौसम भी चेंज रहता है, तो उस हिसाब से शरीर को डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ये अच्छी बात है कि आप सभी की तबीयत अच्छी है, किसी की तबीयत खराब तो नहीं। बहुत अच्छे से आए हैं, बहुत बढ़िया। तो भाई आज हो गया, इतना खूबसूरत मौसम देखिए भाई, कितना नीला आसमान और बादल भी छट चुके हैं। अब संगतों के लिए अच्छा हो जाता है स्नान के लिए, क्योंकि थोड़ी धूप रहती है ना तो ठंड कम लगती है, तो इजी हो जाता है हर चीज। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका श्री हेमकुंड साहिब श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर से। और अभी मैं घोड़े खच्चरों के बीच में हूँ, कुछ सामान पहुँचाना था नीचे गोविंद धाम में, तो यहाँ से मुझे आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत करनी पड़ रही है। डर भी लगता है भाई, इनको छेड़ दिया तो इन्होंने लात मार दिया तो हॉर्स पावर वाली लात लगती है सीधा, और सीधा हड्डियाँ चकनाचूर। क्यों अखिलेश, बिल्कुल पता है ना? हाँ बिल्कुल, केशव का याद है ना? केशव को भी याद है। कैसे हो केशव के भाई? मतलब पिछले 2022 में घोड़े खच्चर ने वो नाल लगा रहा था घोड़े की, तो उसके मुंह पे लगी थी, तो 2-3 दांत पूरे साफ हो गए थे, तो फिर अब काफी दर्द महसूस होता है यार, काफी। तो भाई आज मौसम भी ठीक ठाक है, पहाड़ियाँ खुली हुई है, कोई कोहरा नहीं है, धूप रहती है तो कोहरा रहता है, और आज बिल्कुल भी कोहरा नहीं है। और यहाँ पे देखिए संगत जी पहुँच के स्नान ले रही है, अभी 8:30 हो रहा है, तो काफ़ी जो है संगत मत्था टेक रहे हैं बाबा जी के दरबार में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ही अच्छी बात है, इस साल बहुत ही अच्छा यात्रा चल रही है। और मौसम ठीक है, थोड़े से बादल है, बाकी सूर्य देवता ना इन बादलों के बीच है, क्या पता खुल जाए मौसम और अच्छी खासी धूप हमें देखने को मिल जाए, और सामने हुए हमें नीलकंठ महादेव जी के दर्शन। जय हो प्रभु, जय हो। तो ये देखिए भाई कुछ ऐसा अभी माहौल है, और सुबह जल चढ़ा देता हूँ मैं, उसके बाद मैं थोड़ा मंदिर के अंदर पूजा करता हूँ, कुछ देर ध्यान में बैठे रहते हैं, फिर टीका वीका करके फिर नाश्ता करने जाते हैं दुकान के पास। ये धर्मराज को देखता रहा कि वह कहाँ जा रहा है और क्या करता है, तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज़ सुनाई देने। और यहाँ पे देखो दादाजी बिल्कुल जेब में हाथ डाल करके है, स्माइल। और भाई कल से पता नहीं क्या हो गया, क्या बदलाव आ गया अखिलेश में, अखिलेश भी ब्लॉग बनाना शुरू कर रहा है, पहाड़ी ब्लॉग स्टूडियो, क्योंकि दोस्तों ये इसने मुझे बहुत ज्यादा मतलब रोस्ट करके रखा था, इसलिए मुझे ब्लॉग बनाने के लिए आना पड़ा। तो क्या रोस्ट किया मैंने? तो देख ये क्या, ये कहता है अपने ब्लॉग में कि मैं इसके लिए रोटी नहीं बचाता हूँ, 28-28 रोटी खाता हूँ। लगता है दोस्तों कमजोर हो चुका हूँ यार शरीर, क्या बोलो, ऐसा कमजोर घास मैं भी होता। तो भाई इसका ब्लॉग भी देखे, कल से डालना शुरू कर दिया है पहाड़ी ब्लॉग स्टूडियो में, तो उसका भी ब्लॉग देखेगा, मेरा भी देखेगा, प्यार दीजिएगा। थैंक यू गौरव भाई, आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है, और आपकी दोस्ती है। अभी गाली दे रहा था, रोस्ट कर रहा है, गाली नहीं रोस्ट बोल सकते उसको। क्यों पंडित जी? और देखिए भाई आशीर्वाद, आशीर्वाद सबके लिए, सुख शांति, विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए सुख शांति। तो भाई आज हो गया, इतना खूबसूरत मौसम देखिए भाई, कितना नीला आसमान और बादल भी छट चुके हैं। अब संगतों के लिए अच्छा हो जाता है स्नान के लिए, क्योंकि थोड़ी धूप रहती है ना तो ठंड कम लगती है,
तो इजी हो जाता है हर चीज़। और अरदास पहली हो चुकी है और थोड़ा कोहरा तो इधर से आ जरूर रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। देखें मौसम अच्छा है आज के दिन भी। तो यहाँ पे अचानक से मौसम भी ख़राब हो गया है, ख़राब बोले तो कोहरा आ गया। वैसे धूप थी अभी अच्छी खासी, तो देखा अब कुछ नज़र नहीं आएगा। उससे पहले वीर जी और उन्हें माता जी और उन्हें बहुत सारी फ़ोटो खिंचा ली है ताकि धूप में अच्छी फ़ोटो आए। तो पूरी फैमिली आई हुई है, सुबह पहुंच गए थे, अरदास में भी बैठे अच्छे से मत्था टेका और अच्छे से काफ़ी टाइम से यहाँ पे है। तो कैसे वीर जी यात्रा? बहुत बड़े एक्सपीरियंस है, आपकी बहुत सपोर्ट रहती है, पर एक दो बातें मैं बोलना चाहता हूँ ज़रूर। नीचे से जैसे गोविंद घाट से टैक्सी से आते हैं पुलना गांव तक, तो टैक्सी वाले पुलना गांव तक ही छोड़ देते हैं। जो बुजुर्ग हमारे साथ आदमी और लेडीज माताएं आती हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि टैक्सी स्टैंड से घोड़ा स्टैंड जो है वो तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। अच्छा 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 अच्छा। वहाँ से वहाँ तक आने में उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, घोड़े वाले पीछे नहीं जाते, टैक्सी वाले आगे नहीं आते। आपने बिल्कुल सही बात कही है और इस पे काम भी चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो रोड है और जो काम हुआ है पिछले साल ही वहाँ पे बने थी, और अब थोड़ा आगे भी होगा, कुछ चौड़ीकरण होगा रास्ते का, तब जाकर रुका। तो ये बात सही कही है, बिल्कुल थोड़ी बहुत परेशानी होती है बिल्कुल। और बाकी रास्ते भर में बस बहुत बढ़िया बढ़िया, परमात्मा की प्रकृति के दृश्य जी की YouTube की वो देखते हैं। कई और ब्लॉग्स में देखा हमने तो दिखा रहे मौसम खराब है, ये हुआ है, पर यहाँ पर आता कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा मौसम। जो भी भगवान के घर में आने वाले हैं जरूर आए यहाँ पर आके, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह के माथा टेके, श्री हेमकुंट साहब दरबार साहब के दर्शन करें, लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन करें। ये लाइफ टाइम ये है। एक बार जरूर आना चाहिए पवित्र जगह पे। थैंक यू। तो आगे वाले भी पहुंच पाए प्रशासन के पास, ताकि सभी जो है बुजुर्ग, जैसे माताजी तो नहीं लग रही, माताजी तो फुर्तीली लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो थैंक यू वीर जी, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो जी पटियाला से अपनी बहुत सारी संगत आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं और बड़े बड़े सब लोग आए हुए। तो कैसी रही मैम आपकी यात्रा? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी यात्रा रही साड़ी, भी परमात्मा सानू फिर यात्रा ही जी बख्शे ना। पैदल आए आप? हाँ पैदल। आप भी पैदल? हाँ। अरे वाह, यात्रा पैदल ही करके आए नीचे से लेकर पूरा गोविंद घाट से श्री एम की। बहुत बड़ी बात है, बच्चों से इंस्पिरेशन होनी चाहिए। बच्चे पैदल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हाँ कोई परेशानी नहीं होती, देखो दिल से कोई दिक्कत नहीं है अपना। हाँ रास्ता खुला हुआ है, रास्ता खुला हुआ है, अभी संगत कम है और रहने का प्रबंध भी बहुत अच्छा। हाँ आजकल सही हो गया, जून में थोड़ी रश ज्यादा थी, बट अभी मौका है, आ सकते हैं जिनको छुट्टियों से कोई दिक्कत नहीं है। अभी बच्चों की भी छुट्टियाँ बढ़ चुकी है, इसलिए आप अच्छा मौका है आपके पास। चलो बहुत अच्छे, पंजाब में 10 जुलाई तक छुट्टियां पड़ गई। अच्छा तो गर्मी की वजह से छुट्टियां बढ़ गई, तो जरूर बाबा जी के दर्शन के लिए आए। बाकी वीर जी लोग अभी मत्था टेक करके आए, आराम से बैठे, स्नान लिया, मत्था टेका, फिर यहां पे फोटो भी कराई। थैंक यू सो मच आपका, और अगली बार भी बाबा जी आप लोगों को पूरे परिवार को सबको बुलाते रहे यहाँ पे और आशीर्वाद देते रहे। थैंक यू वीर जी, वाहेगुरु जी की फतेह। तो जी मौसम भी कोहरा हो गया और अब संगत जाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे कुछ मैम लोग जी भी आए हैं जो पूजा करा रहे हैं और साथ में बहुत सारा प्रसाद लाए हैं। तो जी यहाँ पे अपने YouTube फैमिली आते हैं, बड़े दूर से आते हैं और अपडेट्स लेके भी आते हैं, उम्मीद करता हूँ उनको हेल्प मिलती होगी। बाकी जानते हैं वीर जी और से ही कि कुछ हेल्प मिलती है अपडेट से, वीडियो से, अपडेट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। हम दिल्ली से आए हैं, मेरी 8वीं यात्रा ही है। आप दो ही आए हैं साथ में? मैं दो ही आए, हाँ जी 22 से आए हैं।
हम आपके ब्लॉग देख के ही आए हैं कि आपके ब्लॉग देख के हमारी इच्छा होगी कि हम नहीं अब जाना है। पिछले बाइक के लिए रास्ता बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज का, वेदर की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बारिश नहीं है रास्ते में, बहुत अच्छा मौसम है। नीचे से गोविंद घाट से भी बहुत अच्छा हो, रोड भी थोड़ा चौड़ी, बहुत अच्छा, बहुत रोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज की, हर जगह लंगर चल रहे हैं वाहेगुरु के, सब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप और भी संगत आए और गौरव जी को बहुत बहुत हेल्प करें। बाकी सुबह से आए यार वीर जी, आराम से यहाँ पे मत्था टेका, दोनों अरदास अटेंड करी, मतलब बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करके, क्योंकि इतने दूर से आते हैं और ऐसा लगता है कि यहीं रुकने का मन तो सबका करता है कि बाबा जी के पास रहे, फटाफट आए आपको देख देख के, हमने कहा बस गौरव जी को भी मिलना है और गुरु जी के दर्शन भी करने। चलो ठीक है, गुरु जी के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, आप फैमिली को भी लेके आए अगली बार और संगतों को भी इस पवित्र धाम से जोड़े। थैंक यू विल जी। तो जी यहाँ पे हमारे बहुत बड़ी YouTube फैमिली आई हुई है दरबार साहब में मत्था टेक करके, और बहुत सारी YouTube से भी हेल्प मिलती होगी, अपडेट्स मिलती होगी रानू मैम को, जिनको मैं लास्ट ईयर क्लोजिंग डे के दिन नीचे ग्लेशियर पॉइंट से नीचे मिला था, मेरे को सब याद है। तो पूरी फैमिली आई हुई है, बच्चे भी आए हुए हैं और अच्छे से दर्शन हुए सभी के। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, कैसे दर्शन रहे इस बार? बहुत अच्छे दर्शन रहे इस बार, बहुत बढ़िया, और बहुत मौसम एकदम क्लियर है, और ये गौरव से तो बहुत ज्यादा हमें मिलती है कि सारा एकदम पूरी अच्छी इन्फॉर्मेशन, पीछे लक्ष्मी मंदिर की भी, गुरुद्वारे की भी, क्या मौसम है और सब, मतलब बहुत अच्छा लगता है। देखिए हम डेली का अपडेट मिलता है और सुबह 8 बजे हम वेट कर रहे होते हैं नेक्स्ट ब्लॉग कब आ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी बच्चे भी आए हुए इस बार, पिछली बार तो आप 2-3 मेंबर्स जने आए थे, ये मेन आए थे। अच्छा, फर्स्ट टाइम क्या नाम है आपका? मेरा अंश। अच्छा, पैदल आओगे अगली बार? इस बार पैदल। तो कोई बात नहीं, बाबा जी जैसे बुलाएं, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है, मौसम भी चेंज रहता है, तो उस हिसाब से शरीर को डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ये अच्छी बात है कि आप सभी की तबीयत अच्छी है, किसी की तबीयत खराब तो नहीं, बहुत अच्छे से आए, बहुत बढ़िया। बाकी मैम का स्पेशल थैंक यू यार, क्योंकि मैम ने लक्ष्मण भगवान जी, लक्ष्मण मंदिर के लिए बहुत सारा प्रसाद लिया है, जो कि सारी संगतों में हम एक एक करके जब आएंगे तो उनको बांटेंगे। थैंक यू सो मच आपका, और भगवान परमात्मा वाहेगुरु जी आप सभी पे ऐसे आशीर्वाद रखे और आपके चेहरे ऐसे ही मुस्कुराते रहे सभी के। थैंक यू। तो जी समाप्ति हो चुकी है अरदास, और बहुत अच्छा लगा भाई, आज संगतों से इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, और सबसे बड़ी बात यार मंदिर के लिए प्रसाद लेके आए, जो कि हम जो प्रसाद आता है यहाँ पे मंदिर पे, जो भी यहाँ पे प्रसाद देते हैं ना कुछ भी, तो वो सारे श्रद्धालुओं में बट जाते हैं, मतलब सबके घरों के लिए प्रसाद जो है वितरित हो जाते हैं मंदिर से। तो यहाँ पे भेजा था मैम का थैंक यू, रानू मैम है, लास्ट ईयर भी मिले थे और बाकी बहुत सारे संगत मिले आज, तो मतलब आज बहुत सारे संगतों ने दर्शन किए, मतलब आज मौसम भी अच्छा था और संगत जी भी आए हुए थे बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए, तो अच्छा लगा भाई, मौसम भी साथ दे रहा है और बाबा जी के भी दर्शन अच्छे हो रहे हैं और सभी के चेहरे जो है खुश हो जाते हैं जब बाबा जी के दर्शन होते हैं। अच्छा लगता है यार कि जब मौसम अच्छा हो और दर्शन भी अच्छे हो, खुले दर्शन हो, और अच्छा लगता है। तो दोस्तों हमारे एक YouTube फैमिली है गुरविंदर सिंह जी, जो कि इटली से हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू, जो वीडियो पे काफ़ी प्यार देते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि नाम ज़रूर लीजिएगा, तो मैंने नाम ले लिया। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत एक एक्सपीरियंस्ड, जो हमारे YouTube फैमिली भी थे, काफ़ी बुजुर्ग, काफ़ी उम्र उनकी थी, तो कुछ दिनों पहले वो आए थे इस यात्रा में और मुझसे भी मिले थे, काफ़ी बातचीत करी, काफ़ी मुझे उनसे सीखने का भी मौका मिला
और उन्होंने जितनी भी यात्रा का अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया, एक स्पिरिचुअल तरीके से भी, एक गुरु के जो आदेश है, गुरु की जो तुके हैं, उनके अनुसार उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई। तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो अच्छी बातें हैं वो मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा इस यात्रा के रिगार्डिंग, श्री हेमकुंड साहिब के रिगार्डिंग। तो फिर काफ़ी रिक्वेस्ट एक दो बार करी मैंने, तो उन्होंने मेरे को मेल पे लेख तैयार किया, उनके अपने नज़रिए से, अपने तरीके से लेख तैयार किया, जिसको मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और अगर आपको अच्छी लगी उनकी बातें, तो ज़रूर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में और इस यात्रा में, और अगर अच्छी ना लगे तो आप छोड़ सकते हो, ये आपकी इच्छा रहेगी। तो बाकी मैं वैसे तो उन्होंने भेजा हुआ है, बाकी कुछ लाइनें गलत ना हो, कुछ चीज़ें गलत ना हो जाए पढ़ने में, उच्चारण में, क्योंकि हर एक चीज़ उच्चारण करना मेरे से भी पॉसिबल नहीं होता। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो चीज़ें तुके लिखी रहती है ना, तो उच्चारण गलत ना हो तो मैं वो पढ़ूंगा, देख करके पढ़ूंगा, या तो मैं स्क्रीन के आगे आपको शेयर करूँगा। तो उनकी बातें हैं वो मैं पढ़ करके आपको बताने वाला हूँ। दसम गुरु साहिब एक कमाल, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, साच कहूँ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो इसका मतलब ये है, प्रभु को पाने के मार्ग पर यह प्रेम प्रकृति मानव जीव जंतु सभी के प्रति होने से ही प्रभु प्राप्ति होती है। घट घट में हरजू बसे, इसका मतलब होता है कण कण में भगवान बसते हैं, वाहिगुरु जी बसते हैं, प्रभु बसते हैं। तो उनका जो उनके बिहाब पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक लंबे समय से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहा हूँ और पीटीसी सिमरन, हेमकुंड ट्रस्ट, ऑनलाइन अपडेट और मेरी वीडियो को प्रतिदिन देखता हूँ। इस वर्ष की यात्रा 2013 के बाद की सभी यात्राओं से हटकर है, क्योंकि इस वर्ष संगत एक बड़ी संख्या में गुरुजी के दरबार में नतमस्तक हो रही है। यह एक बेहद खुशी की बात होने के साथ साथ कुछ विचार करने योग्य विषयों की ओर ध्यान खींचती है। तो जो बुजुर्ग हमारे YouTube फैमिली थे, तो उनकी बात मैं बता रहा हूँ, उनके बिहाब में मैं पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने लिखा है, किसी भी यात्रा की कामयाबी केवल यात्रा चलाने वालों पर ही नहीं निर्भर करती, बल्कि जिम्मेदारी का बहुत बड़ा हिस्सा यात्रा करने वालों पर भी होता है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग का पहला कदम है। सिख धर्म के मूल में निहित है निस्वार्थ सेवा का सिद्धांत। सिख अपनी अरदास में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने नतमस्तक हो प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मन नीवा मत ऊंची, मत पत दा राखा आप वाहे गुरु दी। अरदास के साथ साथ नाम जप, कीरत करन और वंड छकन की दात का आशीर्वाद अकाल पुरख से प्राप्त हो। सेवा एक सिख का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सेवा करने से भी ऊपर है वह भावना, जिससे हम में व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद के बिना अन्यों के कष्टों को दूर करने की सच्ची इच्छा प्रकट होती है। जो गुरु का आदेश है उसमें ये आप जो मैंने पढ़ा, जो उन्होंने अपने विचार शेयर करे, इसका मतलब ये है कि जो हमारे सिख भाई हैं, जो सिख धर्म है, उनका सबसे बड़ा जो पुण्य सेवा का कार्य होता है वो निस्वार्थ सेवा का कार्य होता है, जो कि वो बखूबी पूरी दुनिया जानती है। हमारे सिख भाइयों को कितनी सेवा वो करते हैं, सारी लोग, सारी दुनिया इस बात से वाकिफ जरूर है। सेवा का मूल सिद्धांत विनम्रता में निहित है। सच्ची सेवा के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ सब में परमात्मा को पहचानना और सभी के प्रति सम्बुद्धि
दिखानी चाहिए। संबुद्धि बोले तो सभी को एक समान व्यवहार से उनको देखना चाहिए। जो एक हमारा नजरिया होता है, सभी जीव जंतु मनुष्य सभी को एक समान हमें एक रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भगवान कण कण में है। अगर भगवान कण कण में है तो भगवान ईश्वर वाहेगुरु सभी के अंदर है, सभी जीवित प्राणियों निर्जीव प्राणियों सभी के अंदर है। तो इसलिए हमें उस नज़रिए से सभी लोगों को देखना चाहिए। याद कीजिए गुरु रामदास जी और बाबा श्री चंद जी की साखी, जिसमें बाबा श्री चंद जी ने पूछा कि आप देखने में तो मेरे पिता गुरु नानक जैसे हो, परंतु आपकी दाढ़ी बहुत लंबी क्यों है? इस पर गुरुजी ने कहा, मेरी दाढ़ी इसीलिए इतनी लंबी है कि मैं आप जैसे संतों के पांव अपनी दाढ़ी से साफ कर सकूं। और वास्तव में गुरु रामदास जी गुरु नानक जी के बेटे बाबा श्री चंद जी के पांव अपनी दाढ़ी से साफ करने के लिए झुक गए, और इस प्रकार बाबा श्री चंद जी से सम्मान और प्रेम जीत लिया। गुरु की इस विनम्रता की उदाहरण को भूलकर हम में से कुछ सिर्फ अपने सुख को सामने रख यह नजर अंदाज कर कि कठिन पहाड़ी पथरीला रास्ता है, आने जाने वाली संगत घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी वालों से नाराज होने लगते हैं। संगत जी कृपया स्मरण रखें, याद रखें कि ये घोड़े खच्चर कंडी पालकी वाले नेपाली भाई यह सब हमारी सुविधा के लिए है ना। कभी कभी हम गुरु महाराज जी के आदेशों को भूल करके उनके जो नक्शे कदम पे चलकर छोड़ करके हम ना नाराजगी दिखाते हैं। हमें सुख चाहिए रहता है भाई, ये यात्रा है, यात्रा में सुख होना नहीं होता है। यात्रा में गुरु को पाना गुरु को दर्शन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जब कभी सुख नहीं मिलता है तो हमारी नाराजगी होने लगती है पिट्ठू वालों से कांडी वाले से घोड़े खच्चर दुकानदारों से, जो कि मैं नहीं मानता हूँ कि अच्छी चीज़ है। क्योंकि गुरु का आदेश है सभी को समान भाव से देखें, विनम्रता से पेश आए। जहाँ किसी की गलती हो उसको विनम्रता से प्यार से एक बार आप समझाओगे तो वो तुरंत मान जाएंगे, और उनकी नज़रों में शायद आपकी जो रिस्पेक्ट होगी आदर सम्मान भाव होगा वो और अधिक बढ़ जाएगा। सेवा कभी भी कहीं भी हो सकती है, जैसे दैनिक कार्यों में दयालुता दिखाना, विनम्र भाव से बात करना। मैं यहाँ एक यात्रा आधारित उदाहरण दूंगा। पहाड़ों की ट्रैफिक शहरों की ट्रैफिक से बहुत अलग है। नियमों का पालन करना जरूरी है, रोड रेस से काम नहीं चलेगा। पर हम में से कुछ हैं कि समझते नहीं, विवाद लड़ाई कर घर से चलने पर की हुई अरदास मन नीवा मत ऊंची तो स्वयं ही निष्फल कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि हेमकुंट में गुरु और पीछे घर में परिवार इंतजार कर रहे हैं। संगत जी गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिर्फ तब ही जब असी वी अपने गुरु पिता दे आज्ञाकारी संतान बन, मन नीवा मत ऊंची सेवा विनम्रता नाल वाहे गुरु नाम जपदे होए चले। भाई गुरदास कहते हैं, सरन गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। इसका मतलब है जो गुरुदास भाई जी की एक तुक है, इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब यह है दोस्तों, तुम गुरु के तरफ एक कदम लो और गुरु तुम्हारी तरफ हजार कदम ले तुमको मिलता है। पुरातन समय में लोकल लोग इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर नंगे पैर आया करते थे। घांगरिया से लोकपाल मंदिर आते थे। समय बदला, गुरुद्वारा और मंदिर दोनों में संगत बढ़ चढ़कर आने लगी। संगत की हर जरूरत को पूरा करने के प्रयास में हमने इस स्थान की स्वच्छता भंग कर
शौचालय बनाए, आसपास और ट्रैक के रास्ते में दुकानें बनाई। हम में से अनेकों को स्नान के बाद यहाँ पे अपने गीले कपड़े छोड़ देते हैं। पानी की खाली बोतल, टॉफी के रैपर, प्लास्टिक, रेनकोट और अन्य सामग्री को डस्टबिन में न डालकर इधर उधर लापरवाही से फेंक दिया करते हैं। संगत जी, हाथ जोड़कर विनम्रता से मेरा कहना है, क्या हम हमारे और प्रमुख गुरुद्वारे के सरोवर में स्नान कर गीले वस्त्र और अन्य कूड़ा सामग्री को सरोवर के किनारे या गुरुद्वारे के परिसर में फेंक देते हैं क्या? अगर नहीं तो फिर यहाँ पर क्यों? यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर सेवा कर्मचारी की संख्या बहुत कम होती है। क्या इस तपोस्थली की सफाई और स्वच्छता के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमें यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि हम बाबा जी के दरबार में, जो हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे अकाल पुरुष हैं, उनकी धरती पे आकर हम स्नान करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, रैपर फेंकते हैं, बॉटल फेंकते हैं, क्या ये अच्छी बात है? ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ दर्शन ही नहीं करने, हमें इस पवित्र जो तपोस्थली है, तपोभूमि है, उसको भी स्वच्छ रखना है। सबकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, क्योंकि इतने कठिन परिस्थितियों में यहाँ इतने ज़्यादा कर्मचारी नहीं होते हैं कि जो बारीक से बारीक चीज़ों को इकट्ठा करके उसको कहीं डस्टबिन में डालें। अंत में मैं आप सभी के साथ चौथे गुरु रामदास जी एक सुंदर शब्द के 3 श्लोक साझा करना चाहूँगा। इस शब्द में गुरु जी ने प्रार्थना में अपनी इच्छा व्यक्त की है कि वे अपने प्रभु के करीब होने के लिए सब कुछ, शरीर, मन और समस्त संपत्ति को त्यागने के लिए तैयार हैं। तो गुरु रामदास जी, जिन्होंने खुद को न्यौछावर किया, अपने गुरु को समर्पित किया, उन्होंने कहा मैं शरीर, मन, संपत्ति, धन, हर एक चीज़ अपने गुरु को प्राप्त करने के लिए त्याग सकता हूँ। तो कितनी स्पिरिचुअल और कितनी बड़ी भावना है गुरु और भगवान अकाल पुरख के लिए, गुरु रामदास जी की। तो दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यार ये इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने कही है जो मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उच्चारण गलत होगा, जो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और हमारे YouTube फैमिली देखने वाले उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, जो इतना बड़ा संदेश है। तो मैं स्क्रीन के आगे वो तुक लिख दूंगा, वो श्लोक लिख दूंगा गुरु रामदास जी की, और उसकी मीनिंग मैं हिंदी में पढ़ करके आपको बताता हूँ। तो जो आपको आगे लाइन लिखी है उसका मीनिंग ये है, हे प्रभु, तेरे से मिलने के लिए मैं अपने सर पर सख्त तूफान और बारिश भी झेलने को तैयार हूँ, मुझे तो अपने गुरु को देखना है। तो कितनी बड़ी भावना है उन्होंने इस तुक में, ये अर्थ है कि मैं अपने गुरु से मिलने के लिए समुद्र को पार कर सकता हूँ, तूफानों को पार कर सकता हूँ, कोई भी उनके आगे कोई परेशानी हो उनको पार कर वो अपने गुरु से मिलने की इच्छा रखते हैं। जो कि भावना हमारे जो संगत है, हमारे श्रद्धालु है, भक्त कहीं भी हो, चाहे श्री हेमकुंड साहिब हो, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर हो, चाहे केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अपने भगवानों से मिलने के लिए, अपने गुरुओं से मिलने के लिए। तो दूसरी तुक है जो मैं फिर से आपको स्क्रीन के सामने आपको बता दूंगा, उसकी मीनिंग आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। हे भाई, अगर समुंदर का लूणी पानी भी पार करना पड़े तो भी गुरु का सिख उसको पार करके अपने गुरु के पास पहुंचता है। तो इस श्लोक का मतलब ये है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु से मिलने के लिए जो खारे पानी का समुंदर होता है, जो नमक पानी, लूण पानी का समुंदर है, उसको भी मैं पार करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और इसलिए क्योंकि मैं अपने गुरु को मिलने की बहुत कामना रखता हूँ, बहुत इच्छा रखता हूँ, मुझे उनसे मिलना है। तो यही आज के जीवन में है, संगत जी आती है, परेशानियों को नज़रअंदाज करिए, सिर्फ मात्र अपने मन में भजे गुरु जी का नाम लेते हुए चले, वाहिगुरु जी का, भगवान का नाम लेते हुए चले, आपको कभी भी रास्ते में, कभी भी जिंदगी में, जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई परेशानी आती भी है तो परमात्मा गुरु, आपके जो गुरु हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो आपकी परेशानियों को
जरूर दूर करेंगे। बस आपके अंदर श्रद्धा भाव और एक वो संकल्प शक्ति होती है समर्पण करने की, कि बस मैंने गुरु जी के चरणों को पकड़ना है, गुरु जी को बोलना है गुरु जी आप मुझे इस जीवन में कहीं भी लेकर के जाए ये आपकी जिम्मेदारी है, हमने तो आपके चरण पकड़ लिया है कस के, बाकी आपकी इच्छा हमें कहाँ ले जाना है। और इतनी बात याद रखना, गुरु जी आपके लिए, आपके समस्त परिवार, आप सभी लोगों के लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो एक और दोहा है जो आपको मैं स्क्रीन के आगे लिखूंगा, उसका मतलब बताता हूँ। हे भाई अगर कोई सज्जन मेरे प्रीतम प्यारा गुरु से मुझे मिला ले तो मैं उस सज्जन के आगे अपने आप को बेच दूँ या समर्पित कर दूँ। तो इस तुक का मतलब है अगर कोई सज्जन, कोई व्यक्ति, कोई प्राणी मेरे को, मेरे से गुरु से मिलने के लिए मेरे को हेल्प करे, मदद करे, मेरे को अपने गुरुओं से मिलाए, तो मैं उस सज्जन के लिए, उस व्यक्ति के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तो कितनी बड़ी बात कही है गुरु रामदास जी ने इन तीन पंक्तियों में, इतनी बड़ी बात, इतनी भावनाएं गुरु के लिए, भगवान के लिए, वाहेगुरु जी के लिए, जो कहने मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये श्रद्धा, ये भक्ति सभी के अंदर हो तो भगवान परमात्मा स्वयं ही खुश हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी है, क्या पता जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे भगवान हैं, जिनको भी आप मानते हो, क्या पता वो हमारे साथ चल रहे हो, वो किस रूप में चल रहे हो वो किसी को पता नहीं। हो सकता है वो किसी प्राणी के रूप में हमारे साथ चल रहे हो सकता है वो किसी कर्मचारी के रूप में हमारे साथ चल रहे हो सकता है किसी दुकानदार के रूप में हमारे साथ हो, हमें कुछ नहीं पता। बस हमें ये करना है सभी के साथ विनम्रता का भाव, प्यार का भाव, और सभी के साथ विनम्र जो गुरु जी के आदेश हैं, जो गुरु जी ने हमारे लिए छोड़ी है, हमारे पीढ़ियों के लिए, उस पर अगर अमल करेंगे, उसमें चलेंगे तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा, गुरु भी खुश और हमारी भी जो सेवा होगी वो सफल होगी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, कुछ जो पंक्तियाँ थी, और उन वीर जी का मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने ये लिख करके मुझे मौका दिया कि मैं अपने YouTube फैमिली के साथ, जो मेरे प्यारे प्यारे जो छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं, बच्चे हैं वो देखते होंगे, बड़े बुजुर्ग देखते हैं, हर उम्र के जो है मेरे ब्लॉग को देखते हैं। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ मैं गुरुजी की जो बातें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँ इस पवित्र स्थान पर रह करके। उम्मीद करता हूँ मित्रों, संगतों, आपको अच्छा लगा होगा, और उनका भी थैंक यू सो मच। जो बातें आपको अच्छी लगती है वो आप अपने जीवन में रख सकते हो, जो नहीं लगती, जो अच्छी नहीं लग रही है वो हटा सकते हो। और मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर से, वंस अगेन, अगर मेरे से कहीं भी भूल चूक हुई हो पढ़ने में या कुछ बोलने में, तुके बोलने में, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। और बस यही है, भगवान का आशीर्वाद ले, यात्रा पर आएँ, बहुत अच्छी यात्रा चल रही है, किसी गलत न्यूज़ जानकारी में ना जाए, संगत जी आ रही है, कभी यात्रा रुकेगी नहीं। और अगर फुल जानकारी चाहिए तो आप मैनेजमेंट ट्रस्ट, आप उनका जो पेज है फेसबुक पे, श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट, तो उसको फॉलो करें, वहाँ से आपको लेटेस्ट जानकारी, न्यूज़ मिलती रहेगी। बाकी मैं भी पूरी कोशिश से आपको हर दिन की लेटेस्ट जानकारी देता रहूँगा। बाकी दोस्तों अभी कुछ ऐसा मौसम है और बहुत संगत जी कह रही थी चरण पादुका के दर्शन कराओ, और आज दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो गया, इसलिए मैं कल कोशिश करता हूँ, मौसम खुलेगा तभी दर्शन हो पाते हैं, कोहरे में ना अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो चरण पादुका होती है उधर, थोड़ा कल शुद्ध हो करके पूजा पाठ करके तभी जाते हैं। मुझे ऐसे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सोचता हूँ कि अगर अच्छे से जाऊँगा तो अच्छे से ही दर्शन करा पाऊँगा आप लोगों को। तो फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका ब्लॉग अच्छा लगा होगा। 3:30 बज चुके हैं, संगत जी टाइम से आजकल रवाना हो जाती है, जब से घोड़े खच्चर आए, क्योंकि घोड़े खच्चर जल्दी से पहुँचा देते हैं इस वजह से। तो दोस्तों इसी के साथ, इसी खूबसूरत दृश्य के साथ, बाबा जी के आशीर्वाद के साथ, लक्ष्मण भगवान जी के आशीर्वाद के साथ, इसी ब्लॉग को समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।